सो हाय एवरीवन, दोस्तों आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम में जो ना बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आए दिन इंस्टाग्राम के अपडेट आते रहते हैं और जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं ना, तो इंस्टाग्राम ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि भाई हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे डिलीट करें परमानेंटली। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ विद प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो सब कुछ यहां पर मैं आपको लाइव स्क्रीन चलाकर दिखाने वाला हूं कैसे आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर की तरफ आप थ्री लाइन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको हेल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको सबसे ऊपर की तरफ थ्री लाइन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो गाइस यहां पर जो है ना, अभी इंस्टाग्राम ने काफी कुछ अलग कर दिया, तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, वरना आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पर आपको टेम्पोरली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या भाई, यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहां पर आपको धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे की तरफ आपको डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर देना तो भाई आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाओगे और बाद में वीडियो में कमेंट करोगे कि भाई डिलीट नहीं हुआ। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है भाई, यहां पर आपको सबसे ऊपर की तरफ एंड्रॉइड ऐप हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आपको मोबाइल ब्राउजर हेल्प पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा instagram.com फ्रॉम ए मोबाइल ब्राउजर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद गाइस यहां पर आपको डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब गाइस यहां पर ये बोला है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, यानी कि दोस्तों ये आपसे रीजन पूछ रहा है, यानी आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो। तो गाइस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहां पर आपको कोई भी एक रीजन दे देना है आप क्यों अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। जैसे कि यहां पर मैं समथिंग एल्स पर क्लिक कर देता हूं एंड उसके बाद यहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना होता है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो यहां पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, अपने पासवर्ड को रिकवर करके उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट यहां पर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बट यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रहे, यहां पर लिखा है इफ यू कंटिन्यू योर प्रोफाइल एंड कंटिन्यू डिटेल विल बी डिलीटेड जनवरी 16, ठीक है। उसके बाद यहां पर 2023 लिखा है, यानी दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम खुद इस चीज को बोलता है, अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हो वो जो है ना 30 डेज के लिए यानी 30 दिन के लिए टेम्परेली डिलीट होता है और 30 दिन के बाद आपके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। बट यहां पर एक कंडीशन है, इन 30 दिनों के अंदर आपको अपनी आईडी को दोबारा से लॉग इन नहीं करना है। अगर आप लॉग इन कर लेते हो तो आपका अकाउंट वापस से बैक आ जाएगा, अगर आप लॉग इन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा।